नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। और आज हम आपको बताएंगे मासिक शिवरात्रि की महत्वता के बारे में। मासिक शिवरात्रि एक ऐसी तिथि जो पूर्ण रूप से भगवान शिव जी को समर्पित है। आज के दिन भगवान शिव जी की उपासना करने वाले भक्तों के जीवन से हर कलह कलेशों का नाश होता है व भगवान शिव जी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। हर माह आने वाली इस तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान शिव जी व माता पार्वती जी की पूजा का विधान होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से स्त्रियों के वैवाहिक जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं व उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। मासिक शिवरात्रि पर महादेव को कैसे करें प्रसन्न? आज के दिन भक्तगण यदि श्रद्धा पूर्वक महादेव की पूजा अर्चना करें तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है व उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए आपको बताते हैं आज के दिन भगवान शिव जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि का पूजा विधान त्रयोदशी तिथि के एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करें और मासिक शिवरात्रि व्रत का संकल्प लें। फिर चतुर्दशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इन सब के पश्चात तांबे के पात्र में गंगा जल, दूध और पंचामृत लेकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अब लकड़ी की एक साफ चौकी लें और उस पर साफ लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर गंगा जल का छिड़काव करें व उस पर भगवान शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इन सब के बाद भगवान शिव जी पर फल, फूल, पंचमेवा, केसर, रोली, नारियल, अक्षत व भांग अर्पित करें। भगवान शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बिल्व पत्र, भांग और धतुरा अर्पित करें। अब महादेव व माता पार्वती की आरती करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम जल्द लेकर आएंगे आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए धर्म व आस्था से जुड़े कुछ और नए विषय। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।